नमस्कार, आप देख रहे हैं livecities.in। नमस्कार, मैं हूं साहेब अली और आप देख रहे हैं livecities.in। आज के डेट में बिहार की सियासत में सिर्फ एक ही मुद्दे पर चर्चा हो रही है। चर्चा इस मुद्दे पर हो रही है कि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की शादी तय हो गई है। उनकी शादी बिहार के पूर्व मंत्री और पूर्व सीएम दरोगा प्रसाद राय के बेटे चंद्रिका प्रसाद राय की सबसे बड़ी बेटी ऐश्वर्या राय से तय हुई है। और इस मुद्दे पर तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं वो हम आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बात जरूर बता दें कि लालू प्रसाद के घर में बेटियों के बाद दो ही बेटे हैं, इसलिए अगर एक की शादी होती है तो दूसरे की चर्चा जरूर होगी। चूंकि तेजस्वी यादव को अभी सबसे एलिजिबल बैचलर भी कहा जा रहा है, इसके साथ ही साथ पावरफुल इंडियंस में उन टॉप 20 के अंदर में, उसके बाद फिर ब्रेवेस्ट पॉलिटिशियंस इन इंडिया, ऐसी बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में कही जाती हैं, तो उनकी शादी की चर्चा तो जरूर होनी है। इसी बात पे जब मीडिया ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुनिए। हम तो पहले भी बोल रहे हैं कि हमारे बड़े भाइयों की शादी हो जाएगी तो हम तेज प्रताप जी की शादी हो जाए, चिराग पासवान जी की शादी हो जाए, आपके नीतीश कुमार जी के जो बेटे निशांत हैं उनकी भी शादी हो जाए। हम तो घर में सबसे छोटे हैं, हमारे जो तीनों भाई, चाहे कोई कहीं से भी शुरुआत हो, हम तो चाहते हैं कि पहले चिराग पासवान जी की शादी हो, यहाँ तो फिर निशांत जी की शादी हो, पहले तो बड़े भाई की होगी ना सर, फिर हम भी अपना सोचेंगे। तो आपने सुनी लिया तेजस्वी यादव का क्या कुछ कहना है अपनी शादी को लेकर के, लेकिन अब एक बार फिर से आपको ये बात सुनाना चाहेंगे जो वो दूसरों की चिंता व्यक्त कर रहे हैं, तो एक बार फिर से सुनिए कि दूसरों के बारे में उनका क्या कहना है और अपनी शादी के बारे में वो क्या कह रहे हैं। कि हमारे बड़े भाइयों की शादी हो जाएगी तो हम तेज प्रताप जी की शादी हो जाए, चिराग पासवान जी की शादी हो जाए, आपके नीतीश कुमार जी के जो बेटे निशांत हैं उनकी भी शादी हो जाए। हम तो घर में सबसे छोटे हैं, हमारे जो तीनों भाई, चाहे कोई कहीं से भी शुरुआत हो, हम तो चाहते हैं कि पहले चिराग पासवान जी की शादी हो, यहाँ तो फिर निशांत जी की शादी हो, पहले तो बड़े भाई की होगी ना सर, फिर हम भी अपना सोच। तो एक बात तो क्लियर है कि तेजस्वी यादव कम से कम अपनी शादी के बाद पर बात करने के लिए राजी तो हुए, लेकिन चेहरे पे जो जितनी फीलिंग्स आ रही थी उसमें एक ही चीज साफ नजर आ रही थी कि वो दूसरों की चिंता बहुत कर रहे हैं। तो पहले उन्होंने कहा कि पहले तेज प्रताप यादव जी की शादी हो जाए जो कि उनके बड़े भाई हैं, उसके बाद रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान जी की शादी हो जाए, उसके बाद फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बेटे निशांत कुमार की शादी हो जाए, फिर उसके बाद वो सोचेंगे। और शादी के बारे में सोचना भी उनका काम नहीं है, उनके परिवार वाले जो तय करेंगे वही करेंगे। तो फिलहाल तेज प्रताप यादव की शादी को लेकर के लालू प्रसाद की फैमिली में जश्न का माहौल है, खुशियां हैं, तैयारियां की जा रही हैं। उधर चंद्रिका प्रसाद राय जी के घर में भी खूब जोर शोर से तैयारियां चल रही है। आगे क्या कुछ अपडेट मिलता है सब कुछ हम आपको बताएंगे। बने रहिए आप अपडेट के लिए livecities.in के साथ। आप हमारे YouTube चैनल पर जाइए, उसको सब्सक्राइब करिए, बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। इसके साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज पर जाइए, उसे लाइक करिए। तो बने रहिए हमारे साथ, हम तेज प्रताप की शादी से लेकर के सारी अपडेट्स आप तक जरूर पहुँचाएंगे।